तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में अल्बिनो डी वेंसवार्ड विद नो मैजिक के पार्ट 11 में, जिसके बाद हम देखते हैं यहां पे एक बंदा चल के जा रहा होता है कहीं, और हम देखते हैं यून और मिमोसा भी पहुंच जाते हैं एक दरवाजे के आगे, और यहां पे वो बोल रहे हैं हो डंजन का कितना बड़ा दरवाजा है, ये इतना मुश्किल भी नहीं था यहां तक आना। और मिमोसा बोलती है ब्लैक बुल्स तो यहां आई भी नहीं। जिसके बाद यहां पे पीछे से कोई अटैक कर देता है मिमोसा पे, डायमंड्स पे, और यहां मिमोसा का समोसा बन जाता है। जिसके बाद हम देखते यहाँ पे क्लाउस बोलता है ये तो जादू है, ये तो जादू सेंस कर सकती है, इसको पता कैसे नहीं चला कि किसी ने अटैक कर दिया, और ये किसी का ट्रैप भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा चल के आ रहा था, क्लाउस बोलता है कौन है तू जो हमारे रास्ते में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वो बंदा बोलता है हटर बैतम, और यहाँ पे एबिस बताता है मेरा भी एक दोस्त है यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग, तो चलो मैं चलता हूँ, तेरे जैसे कमजोर से मैं नहीं लड़ सकता। यहाँ पे लक सोच रहा था जीतूंगा, और उसको किसी की बात ध्यान में आ रही होती है, तो लक हंसते हंसते बोलता है रुक जा। और यहाँ पे हम देखते हैं लक एक इंटरेस्टिंग रूप ले लेता है और फुल पावर अटैक कर देता है, और ज्यादा तेजी से, और वो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा। जिसके बाद लक बोलता है और भी ज्यादा लड़ाई करना है मुझको। और यहाँ पे हम देखते हैं लक बिल्कुल खतरनाक मोड में आ जाता है और अटैक करने ही वाला होता है हमारे लौंडे एबियस पे, जो कि पेल डाले जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमको दिखाई जाती है यहाँ पे लक की बैक स्टोरी, और लक से कोई बोल रहा था तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ करके नहीं सकता इतना आसानी, कितनी बार बोलू। और वो उसकी माँ वो बोल रही होती तू पैदा ही क्यों हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लक को कोई परेशान कर रहा होता है, तो लक स्माइल कर रहा होता है, और यहाँ पे वो लक से लड़ रहा होता है, तो वो बच्चे को लक पेल डालता है और हरा देता है। जिसके बाद लक की चर्चा पूरे जमाने में होने लगती है, और बोला जा रहा होता है कि एक पेशेंट, एक नॉर्मल सा बच्चा ने राजा की औलाद को हरा दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये पागलों की तरह हंसते क्यों रहता है, ये सुपर क्रीपी है, इसके साथ लड़ाई में इन्वॉल्व मत हो वरना ये अपन को भी मारेगा, हट जाओ। जिसके बाद उसकी माँ उसको गले लगा लेती और बोलती तूने एक नोबल को हरा दिया, तू बहुत अच्छा है लक, ऐसे ही मेहनत करते रहना, तू स्पेशल है, जीतते रहना, हमेशा जीतते रहना, कभी हार मत मानना, और अपनी ताकत से इस दुनिया को जीत लेना। ऐसा लग रहा होता है जीतने से लक को खुशी मिलती है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होगी। और यहाँ पे लक फिर अटैक कर देता है एबीएस पे, और बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है इस बार, और बोलता है मैं जीत के ही रहूंगा, मेरी ताकत से मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो यहाँ पे एबीएस बोलता है मैं भी नहीं हारूंगा, तू क्या समझ रही है। जिसके बाद यहाँ पे वो बाइंड क्रॉस प्रिजन अटैक कर देता है धुएं से, और पकड़ लेता है लक को और जकड़ देता है पूरा के पूरा, और वो सॉलिड स्मोक रहता है और बोलता है मैंने अपना बहुत ज्यादा यूज कर लिया, अब मेरी टंकी में पानी नहीं बचा, चल तेरे जैसे बच्चे के साथ मैं क्या करूं, और यहाँ पे मेरा भी एक बच्चे जैसा दोस्त है जो कि अच्छे से बात नहीं करता, और वो बात कर रहा होता है उसके दोस्त मार्स की। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिमोसा प्लांट रिकवरी मैजिक यूज करके अपने आप को हील करने लगती है, और बोलती है मुझे माफ कर दो, यहाँ पे मेरा काम है दूसरों को हील करना, पर मेरी ही पेटी बना डाली इसने पहले, तो मुझे हील होना पड़ेगा। तो क्लाउस बोलता है कोई बात नहीं, तू हील कर, मैं देखता हूँ इसको। और यहाँ पे क्लाउस हमको बता ये बंदा तो डायमंड किंगडम से है, और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई पीछे से वार करने की कायर। तो यहाँ पे मार्स बोलता है अबे क्या बकरिया है तू, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चल हट जा मेरे रास्ते से, और अटैक कर देता है मिमोसा पे। पर यहाँ पे क्लाउस एक शील्ड बना के मिमोसा को प्रोटेक्ट करके बोलता है यू नो मेरा जो बैकअप दो, इस डायमंड स्कम को तो मैं देखता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आस्था और नोएला भागते हुए जा रहे होते हैं एक दरवाजे की साइड, जहाँ पे नोएल बोलती है ये जादू तो शायद लक का है, वो किसी से लड़ रहा है। आस्था बोलता है एक दुश्मन, हमें लक की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे नोएल बोलती है नहीं, हमारा मेन मिशन है यहाँ पे ट्रेजर को लेना, और अगर ये लड़ाई हो रही है तो लक लड़ाई अच्छे से कर सकता है, तो हमें हमारे गोल पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लक फंस चुका होता है और सोच रहा था मुझे जीतना ही पड़ेगा अपनी पावर से। जिसके बाद यहाँ पे लक सोच रहा होता है मैं कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे मार्स से लड़ रहे थे यूनो और क्लाउस। जिसके बाद यहाँ पे क्लाउस बता रहा होता है ये तो ग्रीमोर भी यूज नहीं कर रहा और इतना पावरफुल है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ट्रेजर चैम्बर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे वो यूनो को देता है ऑर्डर, यूनो जाके ट्रेजर चैम्बर की साइड जाके ट्रेजर लो, मैं इसको संभालता हूँ। और यहाँ पे यूनो उसकी बात सुन के जा रहा होता है ट्रेजर चैम्बर की तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तुरंत ही अटैक कर देता है मार्स क्लाउस पे, और उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे आस्था भी बचा लेता है लक को। तो यहाँ पे क्लाउस बोलता है तू वापस कैसे आया यूनो, तो उधर जा। तो यहाँ पे कोई भी हो हमें हमेशा हमारे दोस्तों को बचाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो वही करते हैं। और यहाँ पे यूनो बचा लेता है क्लाउस को और आस्था बचा लेता है लक को मरने से। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्लाउस बोलता है तू वापस क्यों आया, पागल है क्या, जल्दी जा ट्रेजर चैम्बर की साइड। तो यहाँ पे यूनो बोलता है नहीं, हम तीनों मिलकर इसको हराते हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में आस्था
और नोएल भी आ जाते हैं। लक क्या अगर बोलते हैं, बुड्ढे हमसे भी लड़ाई कर अब। और यहाँ पे बुड्ढा बोलता है मेरी कोई हिम्मत नहीं अरे तुम तीनों से लड़ने की। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लक की स्टोरी बताई जा रही होती है वापस से, जहाँ पे उसकी मम्मी मर जाती है पर फिर भी लक हंसी रहा होता है और लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे लक खड़े होकर बोलता है ये मेरा प्रे है, मैं इसको मार के जीतूंगा आज। और यहाँ पे अटैक कर देता है वापस से एबियस पर, बोलता है तुम लोग पीछे रहो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं इसे अकेला ही मार सकता हूँ और मेरी माँ मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर मैंने किसी की मदद ली तो। यहाँ पे आस्था बोलता है ठीक है तू तेरे तरीके से लड़ और मैं मेरे तरीके से लड़ता हूँ, तू जीत और मैं तेरी मदद करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे वापस से लड़ रहे थे लक और एबियस, और यहाँ पे आस्था प्रोटेक्ट कर रहा होता है लक को वो हैवी मोक्स, और बोल रहा था मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे तू है मेरा दोस्त। और यहाँ पे लक सोच रहा होता है तो ये सब मेरे दोस्त हैं, इन पे मैं रिलाय कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दो मम्मी पर मैं अकेला नहीं हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एबियस के सामने खड़े रहते आस्था और लक। लक बोलता है चलो इसे साथ मिलके हराते हैं। और यहाँ पे बुड्ढा बोलता है अरे यार मुझे सीरियस होना पड़ेगा क्या अब। और यहाँ पे एक तगड़ा सा स्मोक अटैक कर देता है जो कि घेर लेता है तीनों के तीनों को, और यहाँ पे उनको कवर कर देता है पूरे के पूरे स्मोक में। तो यहाँ पे यूनो भी बोलता है नेक्स्ट सीन में अब मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा। तो क्लाउस बोलता है क्या मतलब है तेरा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूनो एक तगड़ा मैजिक स्पेल एक्टिवेट करता है और वो बहुत ज्यादा तगड़ा होता है जिसके कारण क्लाउस की भी फटी होती है। इसके पास इतना तगड़ा जादू आया तो आया कैसे, ये तो एक पेशेंट है। यहाँ पे अटैक कर देता है मार्स पे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो धुएं से लड़ रहे होते हैं नोएल लक और आस्था, और वो धुआं बार बार आ रहा होता है, जितनी बार वो हटा रहे होते हैं उतना ही तगड़ा और हैवी डेंसिटी का धुआं आ रहा होता है। जिसके कारण यहाँ लक सोच रहा था मैं अपनी ताकत मैजिक की वजह से एबीएस को महसूस कर पा रहा हूँ कि वो कहाँ है, पर मैं उस पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट है, और यहाँ पे वो मेरा जादू भी महसूस कर सकता है पर आस्था का जादू को महसूस नहीं कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं बुड्ढा बता रहा होता है कि ये जादू करने की वजह से मेरा पूरा के पूरा माना खत्म हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं इन सबको महसूस कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं लक उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पे बिजली के गोले फेंक रहा होता है उसकी साइड पर, वो बिजली के गोले तो महसूस कर पा रहा था लक को और नोएल को भी, पर यहाँ पे आस्था को महसूस नहीं कर पा रहा, जिसके कारण आस्था यहाँ पे बाजू से एक तलवार रख के देता है और उसको छाप देता है दीवार में जैसे कि कोई चूतिया हो। और यहाँ पे हमको बताते हैं कि नोएल उसके जादू की मदद से आस्था के पिछवाड़े पे अटैक कर रहा था पानी से, और आस्था उड़ते हुए गया और दद्दू को छाप डाला दीवार में। जिसके बाद लक बोलता है ये तो बढ़िया था यार। और हम देखते हैं क्लाउस मिमोसा और यूनो यहाँ पे एक खरोच तक नहीं कर पाए थे मार्स पे, और यहाँ पे यूनो भी पिटपिटा जाता है और यूनो की हालत भी खस्ता लग रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे क्लाउस बता रहा होता है कि यूनो फुल पावर से इससे लड़ रहा है पर इसको तो एक खरोच तक नहीं आई, और यहाँ पे ये तो अभी ग्रीमोर भी यूज नहीं कर रहा, कैसा अनयूजुअल जादू है, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा बंदा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का, और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय बाय।